नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ न्यूज अपडेट्स पर। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो करा लीजिए। पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून तक है। यदि 30 जून तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए ₹1000 की लेट फीस वसूल रहा है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप पैन कार्ड का कहीं भी किसी भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर ₹10,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में भाजपा के नेता आपके बीच में आएंगे, आपको उनसे एक ही सवाल करना है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री 13 जिले के लोगों को ERCP क्यों नहीं दे रहे। रिफाइनरी को भी इन्होंने बंद कर दिया जो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। यदि समय पर ERCP पूरी होती तो आज सभी लोगों को पानी मिलता। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से 800 मीटर की दूरी पर स्थित एक हेरिटेज स्ट्रीट में बम धमाका हुआ। 32 घंटे में यह दूसरा बम धमाका है। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। शनिवार रात को भी यहां बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि बम को कोल्ड ड्रिंक के टिन में डालकर लटकाया गया था। फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में कोई भी डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ। ये दोनों ही कम डेंसिटी वाले बम हैं। ये क्रूड बम है। उधर DGP पंजाब गौरव यादव ने कहा कि अभी इन धमाकों के मकसद के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। आतंकवाद, शरारत और पर्सनल एंगल तीनों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में तैयार इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने इस सेंटर को आम लोगों को समर्पित किया है। पंजाब गवर्नर एवं यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने रक्षा मंत्री का वेलकम किया। एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के उद्घाटन के मौके पर कई सैन्य व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री ने पंजाब गवर्नर व अन्यों के साथ पूरे सेंटर का दौरा किया। फिर रक्षा मंत्री और गवर्नर BL पुरोहित का काफिला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर से निकल गया। रक्षा मंत्री के बीच के रूट में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस समेत पुलिस कंट्रोल रूम का स्टाफ भी हाई अलर्ट पर रहा। कैश की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइंस के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर आज NCLT सुनवाई करेगा। एक याचिका ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर SS एसोसिएट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तो दूसरी याचिका एक पायलट ने लगाई है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर का दावा है कि एयरलाइन पर उसका करीब 3 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं पायलट का दावा है कि एयरलाइन से उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लेना है। एयरलाइन पर लेनदारों का कुल 11,463 करोड़ रुपए बकाया है। उधर एयरलाइन की दिवालिया याचिका पर NCLT ने 4 मई को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।